हेलो फ्रेंड्स, मैं लूमा सिंह। तो चलिए आज बनाते एकदम सिंपल सी आलू मेथी की भुजिया। उसके लिए आलू काट लिए थे मैंने और मेथी को खूब अच्छे से धुल के साफ किया जिससे कि उसमें मिट्टी ना रह जाए। और काटने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया, सरसों का तेल डाला था मैंने। और जब ये तेल खूब अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे फिर राई के दाने थोड़े से और थोड़ा सा जीरा। ये सब डालने के बाद जब ये हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची 2 से 3, और हरी मिर्ची कटी हुई बारीक 3-4। और फिर उसके बाद मैंने डाला लहसुन। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला नमक स्वादानुसार जैसा आप खाते हो। और बस जब ये खूब अच्छे से हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाए लहसुन, फिर इसमें हमने डाला उठा के मेथी जो मैंने बारीक काट के रखी थी वो मेथी मैंने इसमें डाली। और मेथी डालने के बाद फिर इसमें मैंने अच्छे से चला दिया और इसके ऊपर से डाले मैंने आलू। और जब आलू डाल लिए तो बस इसको खूब अच्छे से चलाया मैंने पहले, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई देखिए कितने अच्छे से। और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाली थी इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, उसके ऊपर से मैंने डाला था धनिया, सूखा धनिया। और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तब फिर हम इसको एक प्लेट से लेकर ढक देंगे और इसको सेम आँच पर ही पकाएंगे क्योंकि ये जलने का डर रहता है। तो बस जब ये अच्छे से मिक्स होगी सारी तो फिर मैंने इसको थाली से ढक दिया। देखिए बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है, थैंक यू। और बस फर्श से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पूरी पराठे रोटी किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती, थैंक यू।